वो आप लोगों ने पहले डिस्कस की हुई है वेब के अंदर, तो यही फिर बेटर था कि इसी को डिस्कस किया जाए, ताकि जिन बच्चों को नहीं आती उनका रिवीजन हो जाए। अब ये एम रेहान बच्चे, राहुल, रोल नंबर 9, आप विदाउट माइक ज्वाइन किया हुआ है, तो आप मतलब किस क्या फायदा आपको अटेंडेंस लगाने के लिए? आप जस्ट आए हो, क्या सीन है? अब आपको आवाज भी नहीं जाएगी मेरी, और मैं ऐसे अटेंडेंस भी नहीं मार्क करूंगा आपकी। ये ना इसको मैसेज कर दें कि भाई माइक के साथ ज्वाइन करो अगर क्लास लेनी है, अदरवाइज लीव कर दो। अच्छा जी, जे क्यूरी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पेपर है कल आपका? पेपर इजी है, मैं यहाँ तो मिड मुश्किल बनाता हूँ या फाइनल, तो मिड इजी है, बट इजी उनके लिए है जिन्होंने तैयारी की हुई है। तो आप लोग तैयारी करें एंड अच्छे से पेपर दें, पेपर मुश्किल नहीं है। मैंने आज का दिन, हालांकि अवेलेबिलिटी थी आज के दिन की, बट मैंने खुद ट्यूसडे सेलेक्ट कर लिया कि चलें संडे को पेपर बंद रहा है तो ये ना हो, मतलब संडे नाइट हो गई थी उस वक्त, सैटरडे की नाइट को बनाया, तो मैंने कहा चलें दिन हूँ आप लोगों के पास उसकी ना तैयारी के लिए, तो अच्छा सा पेपर दें ताकि अच्छे मार्क्स आए। तो जे क्यूरी है, वर्ड आप लोग ऑलरेडी जानते हो जे क्यूरी क्या चीज है। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। जे क्यूरी बेसिकली एक लाइट वेट जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि राइट लेस डू मोर के ऊपर बेस है। जे क्यूरी बेसिकली क्या है, आपका जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही काम हुआ, उसी की इनहेंस्ड एक वर्जन है, जो मतलब एक जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करके एक लाइब्रेरी डेवलप कर दी गई, जिसमें क्या है आप कम कोड लिखो और आउटपुट ज्यादा आपको जो है वो मिलेगी। लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड देन उसकी आईडी दे के वैल्यू गेट सेट होती थी, तो जे क्यूरी क्या आप जब करेंगे तो देखेंगे कि इसकी अंदर लेस कोड लिखना पड़ रहा है एंड फीचर वही हैं या उससे भी एक्सटेंडेड फीचर जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि HTML5 के अंदर आपकी डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है, तो बेसिकली जब ये जावास्क्रिप्ट की ही इन्हेंसमेंट है, उसी का ही एक प्लगइन है, आपका लाइब्रेरी है बेसिकली, तो ये भी उसी स्क्रिप्टिंग के टैग के अंदर चलेगी। डाउनलोडिंग वर्जन्स के ऊपर बात करें इसके, तो आपके पास जिस तरह मैंने आपको बूटस्ट्रैप करते वक्त बताया था कि टू वर्जन्स होते हैं बूटस्ट्रैप के भी, एंड सिमिलरली आपके जावास्क्रिप्ट में जे क्यूरी में भी टू वर्जन्स हैं, एक आपको कंप्रेस्ड वर्जन मिलेगा, एक अनकंप्रेस्ड मिलेगा, एक बेसिकली मिनीफाइड होता है, वो क्या है जिसके साथ मीन लिखा हो और जिसके साथ मीन ना लिखा हो वो अनकम्प्रेस वर्जन होता है। ये चीज़ पहले डिस्कस हुई है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर हम अनकम्प्रेस वर्जन यूज करते हैं, वो रीडेबल होता है, बट कभी भी वो चाहे बूटस्ट्रैप हो चाहे जे क्यूरी हो, रीडेबल होने का पर मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर जाके एडिटिंग कर लें, एडिटिंग नहीं करनी, किसी भी प्लगइन का डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज नहीं करना, आप अपना कस्टम जो है वो फंक्शन बना लें। जो रिकमेंडेड है वो ये है कि प्रोडक्शन सर्वर के ऊपर आप कंप्रेस्ड मिनिफाइड वर्जन अपलोड करें एंड डेवलपमेंट वर्जन जो है ना वो आप अपनी प्रोग्रामिंग करते वक्त यूज करें, क्योंकि ये बेटर एरर रिपोर्टिंग प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कंप्रेस्ड, क्योंकि डेवलपमेंट में एरर आ रहे होते हैं आप उसको सॉल्व कर रहे होते हो, एक तो साइज इसका ज्यादा होता है अनकंप्रेस्ड का, कंप्रेस्ड का कम होता है तो सर्वर के ऊपर लोडिंग भी फास्टर है, और साइज कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो जीबीज में है और ये एमबीज में है, लाइक ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल ये 20 KB है ना
तो वो 100K भी हो जाएगा। बट आजकल इंटरनेट इतने फास्ट हैं कि हमें नहीं आइडिया होता, बट एट बैकएंड हर चीज जो है वो सेपरेटली टाइम जो है वो कंज्यूम कर रही है। बट फीचर सेम है, आप कौन बेशक कंप्रेस या अनकंप्रेस्ड कोई भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। अब आते हैं जेक्यूरी के सिंटैक्स की तरफ। तो जेक्यूरी बेसिकली उसके अंदर थ्री थिंग्स इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट वन इज जेक्यूरी को डिफाइन करने के लिए जो डॉलर साइन है, ये वर्जन 1 के अंदर डॉलर साइन नहीं होता था, उसके अंदर कंप्लीट जेक्यूरी का वर्ड लिखना पड़ता था। बट जैसे ही वर्जन 2 आया जेक्यूरी का, उन्होंने उसको इससे रिप्लेस कर दिया। अभी भी आप जेक्यूरी भी यूज कर ले तो वो भी चलेगा, बट जेक्यूरी लिखना एक लेंथी है वर्ड, एंड उसकी जगह आप सिंपल डॉलर साइन यूज कर लें तो वो भी डिफाइन करता है कि यहाँ से जेक्यूरी का स्कोप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। देन उसके बाद सेकंड थिंग आती है सिलेक्टर। अब जेक्यूरी का स्कोप तो स्टार्ट कर दिया, अब जेक्यूरी अप्लाई करनी है, बट किसके ऊपर करनी है? कोई डिव है, बटन है, कोई लेबल है, कोई स्पैन है, पैराग्राफ है, क्या है? तो यहाँ वो चीज लिख दी जाती है जिसके ऊपर जेक्यूरी अप्लाई करनी हो। एंड द लास्ट थिंग इज के एक्शन, कि हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, उससे वैल्यू लेनी है, उससे वैल्यू उसे प्रोवाइड करनी है, गेट करनी है या सेट करनी है, हाइड करना है, शो करना है, क्लिक करना है, कौन सा एक्शन जो है वो हमने परफॉर्म करना है। ये नीचे कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं, इनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का एक फंक्शन है, आप में से कोई बताना चाहेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन क्या करता है, अगर पता है किसी को तो? हाँ जी, जी, इसमें ये होता है कि जब तक पूरा पेज लोड ना हो ले उस टाइम तक ये जेक्यूरी का जो होता है ना, इसमें कोड लिखा होता है, वो रन नहीं होता। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट रेडी कोड को तब तक एग्जीक्यूट नहीं होने देता जब तक पेज की लोडिंग कंप्लीट ना हो जाए। अब इसके अंदर कोड लिखने का फायदा क्या है? बेसिकली जब पेज रन होता है, अगर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी से बाहर जेक्यूरी का कोड लिखा हुआ हो तो क्या होता है, आपका अभी पेज लोड ही नहीं हुआ एंड जेक्यूरी का जो है आपका कोड वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उससे ये है कि अभी वो जो एलिमेंट जो टैग जिसके ऊपर जेक्यूरी अप्लाई होनी है वो अभी इनिशियलाइज ही ना हुई हो, वो डिव अभी बनी ना हुई हो, वो भी रेंडर ही ना हुई हो, तो उसको वो नहीं मिलेगी एंड जेक्यूरी की जो फंक्शनैलिटी हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए जेक्यूरी वालों ने क्या किया कि एक मेथड दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का कि इसके अंदर जेक्यूरी का कोड लिख दो, वो तब तक रन नहीं होगा जब तक डॉक्यूमेंट अपनी लोडिंग कंप्लीट नहीं करता। अब एक चीज इसके अंदर है कि अगर मैं अपना कोई कस्टम फंक्शन बनाता हूँ ना तो वो इसके अंदर नहीं लिखना, क्योंकि कस्टम फंक्शन तो तब तक कॉल ही नहीं होगा जब तक मैं उसे कॉल ना करूंगा। हाँ, अगर उसे ऑन लोड कॉल करना है तो वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर उसकी कॉलिंग कर सकता हूँ, बट उसको बनाना नहीं है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर। इसका सेंटेक्स क्या है कि डॉलर साइन डिनोट कर रहा है जेक्यूरी को, एंड देन डॉक्यूमेंट इज अ कंप्लीट सिलेक्टर, हम कहते हैं कि पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसको सिलेक्ट कर लो। एंड डॉट रेडी इज द एक्शन के रेडी फंक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं। अब रेडी के अंदर कोड कौन सा कॉल हो तो वो इसके अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन विदाउट एनी नेम, क्योंकि जब ये कोड चलेगा साथ ही वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, हमें कॉलिंग की जरूरत नहीं। तो ये फंक्शन ब्रैकेट्स एंड स्टार्टिंग बॉडी स्टार्ट एंड यहाँ बॉडी एंड हो रही है, एंड ये रेडी की एंडिंग ब्रैकेट है, एंड ये क्या है सेमी कॉलन, एंड यहाँ वो कहता है कि जो भी आपने कोड लिखना है वो यहाँ लिख सकते हैं। अब इसी की एक शॉर्टर फॉर्म भी है,
वो ये है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट रेडी रिमूव कर दें एंड डॉलर साइन फंक्शन लिख दें, दोनों की वर्किंग 100% सेम है। मोस्टली जो प्रोग्रामर हैं वो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यूज करते हैं, हालांकि लेंथ ही है बट फिंगर्स के ऊपर है। आप लिखते हो डी ओ सी, लिखते हो डॉक्यूमेंट आ जाता है, एंड आप एंटर हिट करते हो डॉट आर ई लिखते हो तो रेडी आ जाता है। तो ये कोई बिग डील नहीं है। तो मतलब जो प्रोग्रामर्स हैं वो मोस्टली डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को ही प्रेफर करते हैं। बट आप गूगल करोगे आपको ये भी मिलेगा वो भी मिलेगा, इन किसको भी प्रोग्रामर यूज करते हैं उसको भी। आपकी मर्जी कि आप जो उनसा मर्जी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन यूज कर लें। अब इसके अंदर जो हमने चीजें पढ़ी वो थी, एक डॉलर साइन था जो कि जेक्यूरी को डिफाइन कर रहा है, सेकंड थिंग थी सिलेक्टर। अब क्वेश्चन यह कि सिलेक्टर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा हो सकता है। तो बेसिकली सिलेक्टर्स जो हैं वो आपके थ्री ही हैं जो आपने सीएसएस के अंदर भी पढ़े हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका, एलिमेंट बेस टैग बेस। अगर मैं पूरे के पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी पेज के ऊपर पैराग्राफ लगे हैं, तो मुझे ना तो उसकी आईडी देनी पड़ेगी ना क्लास देनी पड़ेगी, मैं सिंपली डबल कोट्स के अंदर पी लिख दूंगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट पीछे सिलेक्ट किया है ना उसको डबल कोट में नहीं लिखना क्योंकि वो एक कीवर्ड है, बाकी हमारे जो कस्टम है वो डबल कोट्स में लिखने एज अ स्ट्रिंग। तो ये पी डिफाइन कर रहा है कि इस पेज के ऊपर जितने भी पैराग्राफ लगे हैं सबको सिलेक्ट कर लो। अब अगर इस नीचे वाले कोड को देखा जाए, ये भी मैं अगर इसमें से रिमूव कर दूं, तो ये तो वही है डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और ये कह रहा है पी डॉट हाइड, मतलब कि जितने भी पैराग्राफ लगे हुए हैं उस पेज के ऊपर सबको हाइड कर दो। अच्छा ये बताइए, अगर ये मैं पेज के अंदर कोड लिख दूं तो ये कब हाइड करेगा, मुझे कोई पैराग्राफ पेज पे कभी नजर आएगा या नहीं आएगा, ये कब हाइड करेगा कोई बताएगा। अगर ये मैं पेज के अंदर एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दूं तो किस स्टेट के स्टेज के ऊपर ये जाके सारे हाइड कर देगा पैराग्राफ सर, लोड होने के बाद रेडी होते साथ ही लोड होते साथ। एग्जैक्टली जैसे ही पेज आपका लोड होगा ये साथ ही सारे के सारे पैराग्राफ को हाइड कर देगा, क्योंकि हमने कोई इसके अंदर फंक्शन नहीं बनाया कि क्लिक के ऊपर करे या हाँ। अगर ये है कि बटन क्लिक हो देन हाइड हो, तो ये बटन क्लिक का भी हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसमें ये है कि बटन कोई सिलेक्ट कर लिया, बटन लिखा हुआ है तो सारे के सारे बटन, जब ये बटन क्लिक हो तो देन उसको हाइड करें। अभी हम बात कर रहे हैं सिलेक्टर्स की। सेकंड सिलेक्टर है आईडी सिलेक्टर। अगर मैं किसी स्पेसिफिकली किसी डिव को, किसी बटन को, किसी लेबल को पॉइंट करना चाहता हूं तो मैं सिंपली उसकी आईडी डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ क्या हुआ, सात आईडी आ गई, टेस्ट उस कंट्रोल की, उस डिव की, उस एलिमेंट की आईडी है। अब जब ये कॉल होगा तो ये सिंपली उस चीज को हाइड करेगा जिसकी आईडी टेस्ट है। वो डिव होगी तो डिव को कर देगा, लेबल होगा तो लेबल को कर देगा, पैराग्राफ होगा तो पैराग्राफ को कर देगा। एंड लास्ट जो आता है वो आता है क्लास बेस। क्लास बेस तब होता है जब कोई ग्रुप डिफाइन करना हो, लाइक मेरे पास तीन पैराग्राफ हैं या तीन डिव हैं, तो मैं चाहता हूँ इनमें से दो मैंने हाइड करनी है, तो जो दो मैंने हाइड करनी है मैं सिंपली उन दो को टेस्ट की क्लास दे दी या अपने नेम में जो भी अप्रोप्रिएट नेम होगा वो दी। वो किस तरह है, डॉट टेस्ट, एंड यहाँ मैं क्या करूँगा, डॉट टेस्ट डॉट हाइड। अब जब ये बटन क्लिक होगा तो सिंपली क्या करेगा, टेस्ट नेम से जो जो क्लास जिस जिस एलिमेंट को लगी हुई है उन सब के सब को क्या करेगा, हाइड कर देगा। ठीक है, ये थे सिलेक्टर्स। ये मैंने दो स्लाइड्स के अंदर कुछ सैंपल सिलेक्टर लिखे हैं, आगे डिस्क्रिप्शन भी है, एक दो को डिस्कस कर लेते हैं। स्टैटिक अगर मैं लिख दूं एज ए सिलेक्टर तो इसका मतलब है पेज के ऊपर जो कुछ लगा हुआ है सबको, अगर मैं स्टैटिक डॉट हाइड कर दूं तो वो पेज के ऊपर सब कुछ हाइड कर देगा।
दिस का मतलब है करंट, जिसने क्लिक किया उसी के ऊपर, जिसके ऊपर इस वक्त फोकस है उसी के ऊपर। अगर दिस डॉट हाइड करूंगा तो वो उसी को हाइड कर देगा। देन पी डॉट इंट्रो, कोई इसको डिफाइन करेगा पी डॉट इंट्रो का क्या मतलब है? इंट्रो क्लास वाले जी, इंट्रो क्लास वाले क्या पैराग्राफ? हाँ जी, अगर मैं किसी डिव को भी इंट्रो की क्लास दी हुई है तो वो सिलेक्ट नहीं होंगे, ये वो पैराग्राफ सिलेक्ट करेगा जिनको इंट्रो की क्लास लगी हुई है। देन पी कॉलन फर्स्ट, फर्स्ट पैराग्राफ, यू एल के अंदर फर्स्ट एल आई, तो ये इस तरह इनको आप लोग रीड आउट कर लेना। ये भी हैं कुछ कि जिसको हाइपर रेफरेंस लगाओ, जो चीज लास्ट सर ये इंट्रो लिखा था, ये आईडी थी पैराग्राफ की बेसिकली। नहीं बच्चे, अगर तो हैश लिखा होता ना साथ, पी हैश जी सर इंट्रो, तो फिर होती आईडी। ठीक है, ठीक है ना, हमने डॉट, डॉट का मतलब है क्लास। ठीक है, और सर कॉलन किस लिए यूज करते हैं? ये कॉलन है फर्स्ट चाइल्ड उसका, कॉलन फर्स्ट कि जो पहला पी मिलेगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा ये कुछ इवेंट्स हैं कि माउस के कौन से इवेंट्स हैं कॉमन एंड कीबोर्ड के कौन से हैं, फॉर्म के कौन से हैं, डॉक्यूमेंट के कौन से हैं। तो माउस के लिए जो मोस्टली यूज होता है वो होता है क्लिक का, यही मोस्टली इवेंट यूज होता है। देन आता है डीबीएल क्लिक, जो है डबल क्लिक का, माउस एंटर, माउस लीव, वो हावर के लिए जो चलते हैं, माउस उसके ऊपर आया तो चल गया कोड, माउस लीव हुआ तो चल गया। देन कीबोर्ड के आते हैं की प्रेस, की डाउन, की अप। की डाउन तब चलेगा जब की नीचे प्रेस होगी, की अप तब चलेगा जब उसमें से फिंगर हटाएंगे। एंड की प्रेस एक कंप्लीट फीचर है कि कौन सी की प्रेस हुई है, उसमें डाउन अप सब कुछ आ जाता है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कब की प्रेस, कब की डाउन, कब की अप करना है? ये बेसिकली जब कोई कोई डाउन होती है तो उसने ऑब्वियसली क्या होना है, उसने अप भी होना ही है। तो ये यूजर कई दफा डाउन यूज कर लेता है, कई दफा हाँ, जब तक स्पेसिफाई ना करे कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है तब तक हम लोग इसको नहीं करते। वरना जहाँ की प्रेस यूज करना है वहां की अप भी कर दो जो चलता है, की डाउन भी कर दो, क्योंकि यूजर इतनी जल्दी, लाइक मैं जहाँ से जे प्रेस कर रहा हूँ तो मैं क्विकली जे प्रेस करूंगा, उसमें प्रेस भी ट्रिगर हो जाएगा, अप भी हो जाएगा, डाउन भी हो जाएगा। तो यूजर को क्या पता चला कि ये माइक्रो सेकंड या मिली सेकंड में जो काम हुआ है, कौन सा काम कब हुआ है। तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं। देन फॉर्म के आते हैं सबमिट, चेंज, फोकस एंड ब्लर। फोकस, फोकस पे चलता है ब्लर जब डी फोकस होता है, एंड चेंज वगैरह ये आपके टेक्स्ट बॉक्सेस के भी हैं, इवन फॉर्म का भी है कोई चेंज आए। देन डॉक्यूमेंट के लोड है, रेडी है, जो हमने अभी रेडी पढ़ा। देन रीसाइज है, अगर विंडो रीसाइज होती है, स्क्रोल है जब स्क्रोल होता है, एंड सिमिलरली अनलोड का है। अगर यहाँ आके देखें तो इसको कोई डिफाइन करेगा कि ये फंक्शन क्या करता है, इसको बेसिकली रखना तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर ही है, बट वो पोर्शन निकाल दिया हुआ है, इसको कोई डिफाइन करेगा कि ये क्या करेगा। सर जिस पैराग्राफ पे हम फोकस कर रहे होंगे उसको हाइड कर देगा। फोकस नहीं, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्या करता है कि पी सारे के सारे, उन सब का क्लिक का इवेंट, उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर दो दिस डॉट हाइड, कि जिस भी पी के ऊपर क्लिक हो उस पी को हाइड कर दे। ये है जिस पी के ऊपर डबल क्लिक हो उस पी को हाइड कर दे। ये क्लिक के अंदर ये फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन के अंदर कोड लिखना है। ये आपको रेडी के अंदर भी मिलेगा, क्लिक में भी, डबल क्लिक, चेंज, ये हर एक के अंदर आपको मिलेगा कि उसके अंदर ये फंक्शन है कि हमने कोड कॉल करना है। अगर उसके अंदर कोई कोड कॉल करना हो, ये क्लिक का मतलब होता है इस तरह, इस क्लिक का मतलब है कि इसको क्लिक करवा दे। ठीक है, अगर हमने क्लिक के अंदर कोई कोड कॉल करना है तो फिर हम उसके अंदर फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन दिस वन एंड दिस कोड।
लास्ट स्लाइड बेशक स्किप कर दें, ये थोड़ी कंफ्यूजन होता है ये स्लाइड देख के बच्चों को। ये है एक ही दफा पी लिख के उसके ऊपर ऑन लिख के बता दो तुम्हारे माउस एंटर पे ये है, माउस लीप पे ये है, क्लिक पे ये है, डबल क्लिक पे ये है, उसको आप सेपरेटली भी कर सकते हो इस तरह, तुम्हारे क्लिक पे ये, इसके डबल क्लिक पे ये। तो ये बेसिकली जे क्यूरी थी जो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी, क्योंकि बेसिकली आपका यूज इतना ही है। हाँ, वैल्यू वगैरह किस तरह लेनी है टेक्स्ट बॉक्स से, ये भी प्रैक्टिकल करना है हमने, ये इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर इसको करेंगे प्रैक्टिकली कि हम टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू किस तरह ले सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को वैल्यू किस तरह सेट गेट कर सकते हैं, और अगर वैलिडेशन लगानी हो हमने जे क्यूरी की, तो वो वैलिडेशन हम लोग जे क्यूरी की जो है वो किस तरह उसको यूज कर सकते हैं, तो ये इंशाल्लाह हम लोग इसको कल की क्लास के अंदर करेंगे। एक्चुअली पेपर है आप लोगों के, तो मैं नहीं चाहता कि कोई एक ही क्लास के अंदर, वैसे तो ये सारा एक ही क्लास के अंदर जो था ये हो जाना था, बट मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट के भी हो जाए, कि भी क्लासेस भी ले ली हैं, एंड आप लोगों के ऊपर भी एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े कि ड्यूरिंग पेपर हमने कोई इस तरह का टॉपिक जो है कर लिया कि हम उसको कवर नहीं कर सकते स्टेज के ऊपर। तो ये इंशाल्लाह जे क्यूरी साथ साथ आपकी चलती रहेगी जैसे जैसे प्रोजेक्ट करेंगे। एक काम आप लोगों ने करना है, मतलब ये तो नहीं मैं कहता इस वीक करें, वीकेंड आगे आएगा, कोशिश करनी है कि ना नेक्स्ट क्लास तक जितना हो सके आप एसक्यूएल सर्वर जो है ना उसको इंस्टॉल कर लें। उसके अंदर ये है कि एसक्यूएल सर्वर 2008 R2, ये मैं कहता हूँ कर लें क्योंकि ये लाइट वेट है, 250 MB का आई थिंक हार्डली होगा, और जब रन करेंगे तो सिस्टम के ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप 17 कर लें, उसका एंटरप्राइज एडिशन कर लें, उनमें ये है कि जब वो चलते हैं तो सिस्टम को अच्छा खासा पता चलता है कि मैं कोई, बाकी एक्सप्रेस एडिशन हर एक का फ्री है, वो लाइट वेट ही होता है, बट साइज जितना न्यूअर वर्जन इंस्टॉल करेंगे उसका साइज उतना ही बढ़ता जाएगा। एक्सप्रेस एडिशन किसी का भी आप इंस्टॉल कर लें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोशिश करें कि इसको, क्योंकि पहले जितने भी लेक्चर थे ना वो कुछ इस तरह से थे कि मैंने इस वीक नहीं किया तो नेक्स्ट वीक में उसको कवर कर लूंगा, कुछ को डिफिकल्टी भी फेस हुई होगी, बट डेटाबेस में इस तरह होगा नहीं, इस तरह बड़े मसले होंगे। मैं एक दिन इंसर्ट करवा दिया, दूसरे दिन उधर से आगे सिलेक्ट लिस्टिंग डिलीट एडिट इंसर्ट हो रहा है सारा, और ये काम रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा, और फिर मैं आपको असाइनमेंट देता रहूंगा जी कि प्रोजेक्ट का ये मॉड्यूल मुझे इस डेट तक आप सबने चेक करवाना है, ये मॉड्यूल इस तक। तो फिर अगर इंस्टॉलेशन ही नहीं हुई होंगी, साथ साथ नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। तो ये दे लें एक दफा आराम से आप लोग मिड, इसके बाद इंशाल्लाह जो है ना उसको प्रोजेक्ट को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे, और जिन बच्चों का टाइटल रह गया है वो भी फाइनलाइज कर लें, ताकि ना अर्ली स्टेजेस के ऊपर हम लोग इसको कंप्लीट करके प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करें, वरना यही होगा कि 2 वीक अभी और लग जाएंगे। अभी हनान बच्चे कोई रहता है बच्चा जिसका टॉपिक अभी सिलेक्ट ना हुआ हो? सर जी, जिन बच्चों ने उस दिन जमा करवाया था उसके बाद सर किसी ने करवाया नहीं है, वही लिस्ट पड़ी है मेरे पास, एक और स्टूडेंट ने करवाया था बस। उसके अलावा कितने हैं, क्या आईडिया, कितने हैं जिनका रहता है? सर एक सेकंड बस मैं देख सकता हूँ। सर 11 बच्चों का रहता है, 23 स्टूडेंट्स ने करवा दिया। ठीक हो गया, इसको कर लें आप बच्चों जिनका रहता है वो कर लें। फिर एंड पे ये होगा कि मैं कोई डेडलाइन दे दूंगा, फिर मैं कहूंगा कि इसके बाद हर क्लास में ना आपके 2-2 मार्क्स डिडक्ट होते जाएंगे। इतने मार्क्स तो हैं ही नहीं, तो 2-2 नंबर आप वैसे ही अगर डिडक्ट करवाएंगे तो फिर अगर टॉपिक सिलेक्शन में इशू है, पेपर दे लें एक दफ़ा वीकेंड के ऊपर, मुझे मैसेज कर लें जब भी आपको अभी टाइम है, उसके बाद अभी मैं आपको दूंगा 8-10 दिन दूंगा, बट उसके बाद ये नहीं चलेगा। तो टॉपिक फाइनलाइज कर लें,
एक दूसरे से डिस्कस कर लें कि टॉपिक किस तरह लेना है क्या, देन उसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से डिस्कस कर लें, ठीक है ना। एक मिनट में अटेंडेंस देख लूं, ठीक है, टू टाइम्स मैंने लगा ली हुई है, ठीक है। आप लोग जा सकते हो, पेपर की तैयारी करें आप लोग, कल इंशाल्लाह कल भी इतनी क्लास होगी, घंटे की हो जाएगी हार्डली, जिसमें जे क्यूरी का जो है प्रैक्टिकल वो करेंगे। आप एसक्यूएल सर्वर का कह रहे थे, उसका अगर आप सर लिंक सेंड कर दें। अच्छा, मैं एक्चुअली मेरे पास ना पड़ा हुआ तो है, मेरे पास 32 बिट है, तो मैं 64 का भी लिंक जो है ना वो शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना फिर। थैंक यू, वेलकम, ठीक है, जा सकते हो आप लोग। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर कल डिस्कस करते हैं।